महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन के बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सेक्स के लिए काफ़ी लोग हमें वीडियो कॉल्स करते हैं, कंसल्टेशंस करते हैं। पुरुष, स्त्री सभी लोग हमें कंसल्टेशन करते रहते हैं और उसमें महिलाओं का जो कंसल्टेशन रहता है उसमें कॉमन वो है कि भाई उनको पेशाब में बहुत जलन होती है और वो बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं। तब ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब का जलन होता है, इसका मतलब इन्फेक्शन है पेशाब की जगह, पेशाब के थैले में कुछ तो भी इन्फेक्शन है, जिससे बुखार आता है। बुखार आया फिर खाने पीने की इच्छा नहीं, फिट नहीं रहते हैं, यूरिन करने में अंगार होती है और फिर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कोई काम करने का मन नहीं करता। लेडीज़ में, महिलाओं में स्पेशली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और वो अवॉइड करने के लिए मैं 8 टिप्स आपको देता हूँ वो करने का है। नंबर 1, पानी 8 से 10 गिलास, बड़े वाले मतलब 200 ml वाले जो ग्लास है, कम से कम 10 गिलास आप पानी पीते हैं मिनिमम, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, कम से कम आप 2 लीटर पानी पीते हैं, 3 से 4 लीटर पानी पिया तो अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा समय तक यूरिन को होल्ड नहीं करने का है, बहुत समय तक होल्ड नहीं करना है, जब लगती है तब पेशाब को जाने का है। नंबर 3, 4 घंटे में कम से कम एक बार पेशाब को जाना है, टॉयलेट जाना है, 4 घंटे में एक बार तो भी जाना चाहिए। नंबर 4, टॉयलेट के बाद में सामने से लेके पीछे तक का पूरा हिस्सा साफ करना चाहिए, क्लीन होना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन को कोई वहाँ प्लेटफॉर्म ना मिले। नंबर 5, स्नान करने के समय प्राइवेट पार्ट्स रोज क्लीन करना चाहिए एंटीसेप्टिक साबुन से। नंबर 6, कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं वापरने का है कोई प्राइवेट पार्ट्स के लिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। नंबर 7, अंडर गारमेंट्स जो है वो लूज पहनना जरूरी है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और नंबर 8, वेट क्लोथ मतलब गीले कपड़े नहीं पहनने का है। क्या होता है कि बरसात के दिनों में कपड़े सूखते नहीं है, अंडरवेयर गीले रहते हैं और उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 8 टिप्स है, ये 8 टिप्स का आप पालन करते हैं तो बहुत कम चांसेस है या चांसेस नील है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। आपको ये अच्छा लगा तो सभी महिलाओं को ये वीडियो शेयर करो, इसमें जब शेयर करेंगे ताकि उनकी तबीयत अच्छी रहेंगे, फिट रहेंगे। और मैंने एक दूसरे वीडियो में ये भी कहा था कि सेक्स करने के बाद में महिलाओं ने यूरिन को जाना ही चाहिए, नहीं तो फिर इन्फेक्शन होने का धोखा ज़्यादा होता है। तो सेक्स करने के बाद में जाना चाहिए, वैसा सोने का नहीं है। ये आप करेंगे तो डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होगा। हमारे जो दो हॉस्पिटल है उसका आप फ़ायदा ले सकते, उठा सकते हैं कि जहाँ रिलेटिव्स के बिना हम मेंटल पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ रिलेटिव्स के साथ में मेंटल पेशेंट को भर्ती करते हैं, जो हिंसक पेशेंट है, आक्रामक है, वायलेंट है उनको हम भर्ती करते हैं, शराबी है, व्यसनी पेशेंट है, मंदबुद्धि के है, बूढ़े लोग हैं जिनको डिमेंशिया हुआ है, ऐसे लोगों को बिना रिश्तेदार हम भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर ऑनलाइन कंसल्टेशन आप मेरे से कर सकते हो, हमारे जो कॉलर्स है आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।